उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे अधिक देश भर में लोकप्रिय तथा प्रभावशाली और जीवट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा ने उत्तर भारतीय संघ मुंबई के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व विधान परिषद सदस्य स्वर्गीय बाबू आर एन सिंह के पैतृक गांव गोरखपुर भरौली में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच से माइक पर हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबू आर एन सिंह ने अपनी माटी का कर्ज उतार दिया है। उन्होंने इस छोटे से गांव से खाली हाथ निकलकर मुंबई जैसे महानगर में संघर्ष करते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल किया, साथ ही अपनी जीविका का साधन बनाते हुए उत्तर भारतीय समाज के लोगों के लिए काफी कुछ किया। मुंबई में रहते हुए गांव को कभी भूल नहीं पाए, यही वजह है कि आज हम उनके द्वारा निर्मित कन्या विद्यालय के साथ एक बड़ा अस्पताल भी देख रहे हैं, जिसका हमने थोड़ी देर पहले ही उद्घाटन किया है। आज मुझे बेहद खुशी हुई कि ऐसे महान विभूति की आदमकद प्रतिमा का अनावरण के साथ उनकी पावन स्मृति का अभिवादन करने के लिए उनके चिरंजीवी संतोष आर एन सिंह ने मुझे ही चुना। इसके लिए सिंह परिवार को दिल से बधाई देता हूँ। सिक्योरिटी के संस्थापक चेयरमैन, उत्तर भारतीय महासंघ के महाराष्ट्र के अध्यक्ष रहे श्री आर एन सिंह जी के स्मृति में यहां पर भरौली गांव में निःशुल्क डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन और उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने आज किया है, जनता को समर्पित किया है। चिल्लू पार में अब बाबू आर एन सिंह जी के परिवार के बदौलत एक रुपए में लोगों की, गरीबों की डायलिसिस हो पाएगी, जो सुविधा लखनऊ और दिल्ली और मुंबई में लोगों को मिलती है, गोरखपुर में मिलती है, वह फ्री में उच्च स्तरीय ट्रीटमेंट्स के साथ अब यहाँ पे इन लोगों का इलाज होगा। 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिल जाएगी, 1 करोड़ से ज्यादा। गोरखपुर जिले में भी अनेक प्रस्ताव आए, इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारना, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना, विकास की परियोजना में बाधा न बनना, बल्कि उस परियोजना को आने वाले समय के लिए अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने का एक माध्यम मानना, यह हमारा कार्य होना चाहिए। और अभी तो ये विकास की प्रक्रियाएं आगे बढ़ी है। राम जानकी मार्ग जब अयोध्या से सीतामढ़ी तक सीधे बनेगा और वहां से जनकपुर तक बनेगा, तो आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि आप लोग अपने पूर्वजों की धरोहर को सोचिए। कब, आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम मां जानकी को लेकर के इसी मार्ग से अयोध्या गए थे, जनकपुर से अयोध्या गए थे। आज वो मार्ग 2 लेन और कहीं कहीं 4 लेन बन रहा है। कितना सौभाग्यशाली है आप, कितनी समृद्ध विरासत को। और इस वर्ष तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होगा, आप भी जाके कह सकते हैं कि हमने भी योगदान दिया। बाबू आर एन सिंह जी ने 1 करोड़ रुपए का दान राम मंदिर निर्माण के लिए दिया, तो आप भी जाके कह सकते हैं कि हमारे गांव का भी योगदान है, हम भी राम मंदिर निर्माण में योगदान किए। राम मंदिर का निर्माण भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण जैसा है। 500 वर्षों के बाद यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है और इस अवसर के लिए हम सबको प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारत की न्यायिक व्यवस्था के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए अपने आप को सदैव इस बात के लिए तैयार रखना होगा कि आने वाले समय में हमारी विरासत को भारत की आन मान और शान के खिलाफ कोई दुस्साहस न करने पाए, इसके लिए सदैव सचेत होकर के हमें कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको रामनवमी की और चैत्र नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बाबू आर एन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दक्षिणांचल को एक अच्छी चीज यहां पर उपलब्ध कराई है, इसके लिए उनका पूरा परिवार बधाई का पात्र है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।